सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन आई क्यू। तो गाइज, आज हम फिर से बात करेंगे चाइनीज सोशल मीडियाज के बारे में, क्योंकि पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें उतना ज्यादा कुछ क्लियर नहीं था आवाज, तो मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं आपको फिर से बता दूँ, हम जो सोशल मीडियाज यूज करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये तो हम यूज करते हैं, पूरी दुनिया इसको यूज करते हैं, लेकिन ये सब चीज चाइना के अंदर बैन है। तो गाइज पहले जान लेते हैं कि चाइना के अंदर ये सब चीजें बैन क्यों है। तो दोस्तों, चाइना के जितने भी लोग हैं ना, उनको कंट्रोल करता है चाइना का गवर्नमेंट, और चाइना का गवर्नमेंट ये नहीं चाहता है कि चाइना का कोई भी डेटा यूएसए के पास जाए। तो देखो, मेनली हमारे जो सोशल मीडियाज है ना, वो मेनली जो है वो यूएसए की है। ठीक है, चाहे आप बात कर लो गूगल, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जो भी चीज है वो यूएसए की है। और आपको पता होगा कि यूएसए और चाइना के बीच थोड़ा सा टक्कर चलती रहती है, इसलिए जितने भी सोशल मीडियाज है हम यूज करते हैं, यानी कि पूरा दुनिया यूज करते हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितने भी कंपनी है, उनको चाइना के अंदर बैन कर दिया। क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को यह डर था कि अगर यूएसए की जितने भी कंपनीज हैं वो अगर चाइना के लोगों का डेटा या फिर चाइना का डेटा लेके यूएसए की गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देती है, तो यूएसए की गवर्नमेंट उसके खिलाफ वो बातें यूज कर सकती है, यानी कि यूएसए की गवर्नमेंट चाइना के खिलाफ वो बातें यूज कर सकती है। इसीलिए चाइना का गवर्नमेंट या फिर चाइना का सरकार ये नहीं चाहा कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है बाहर के वो हमारे चाइना के अंदर चले, इसीलिए उन्होंने सारे जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वो सारे बैन कर दिए। और चाइना के लोग जो भी सर्च करते हैं और सर्च रिजल्ट में वही आता है जो चाइनीज गवर्नमेंट उसको दिखाना चाहता है। ठीक है, तो मान लो हम जो आप हम है ना, तो हम क्या करते हैं कि गूगल पे कुछ चीजें सर्च करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि एक सेकंड के अंदर वो खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं, वो डेटा तुरंत जाता है यूएसए में और यूएसए से घूम के हमारे पास आती है। ठीक है, सिर्फ एक सेकंड में या फिर उससे भी कम समय लगता है घूम के आने में। ठीक है, चाइना में जितने भी सर्चेस होते हैं वो जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के पास, उसके बाद उन लोगों के फोन में दिखाया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना का गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया है ना, अगर आप कुछ सर्च करते हो उसमें तो जो भी रिजल्ट आते हैं वो दिखाता है चाइनीज गवर्नमेंट के मुताबिक। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट दिखाते हैं कि आपको क्या दिखाना चाहिए, वो ठीक करते हैं कि आपको क्या दिखाना चाहिए इसके सर्च रिजल्ट में। तो गाइज, जितने भी सोशल मीडियाज है वो बैन करने का बहुत सारा रीजन है, लेकिन जो दो रीजन है ना, जो मेन रीजन है, वो पहली तो है गाइज, जितने भी चाइना का डेटा है वो चाइना में ही रह रहा है, दूसरे किसी कंट्री के पास नहीं जा रहा है, और जो पैसा है वो भी दूसरे किसी कंट्री के पास नहीं जा रहा है, वो भी चाइना के अंदर ही सीमित है। तो गाइज, हमने तो ये जान लिया कि चाइना के अंदर सोशल मीडियाज बैन है, लेकिन क्या चाइना के लोग कोई भी सोशल मीडियाज यूज नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, वो भी सोशल मीडियाज यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं उसके इंस्टेंट में कुछ चाइना में एक कुछ एप्स है जो वो यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली चाइनीज लोगों के लिए वो डिजाइन किया गया है। तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी सोशल मीडियाज है उनके बदले में चाइना में क्या क्या यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पहले आते हैं मेन चीज जो कि है गूगल। गूगल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन सभी जगह चलती है गूगल, लेकिन चाइना में नहीं चलती है। चाइना में गूगल के बदले में चलती है बाइडू नाम की एक ऐप, और बाइडू एक सर्च इंजन है जो कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर हमने बाइडू में कुछ सर्च किया तो वो डेटा जाती है चाइनीज गवर्नमेंट के पास, उसके बाद आपके पास आती है। तो ये जो बाइडू है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है चाइनीज लोगों के लिए, और हम जो गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं वो यूज करते हैं बाइडू, और बाइडू जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है चाइना के अंदर। और ये जो बाइडू है ये भी गूगल की ही कॉपी है, और आपको पता होगा कि चाइना में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे से सारे कॉपी है। अब बात करते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक पूरी दुनिया यूज करती है, लेकिन ये भी चाइना के अंदर बैन है। जैसे हम क्या करते हैं कि फेसबुक में किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, अपना प्रोफाइल बनाते हैं, उसके बाद हम फोटो अपलोड करते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं फेसबुक में, और चाइना में ये फेसबुक नहीं चलती है। चाइना में फेसबुक के इंस्टेंट में चलती है रेनरेन नाम की एक ऐप, जो कि सेम टू सेम फेसबुक की ही कॉपी है। अगर आप मान लो कि आप फेसबुक में जो चीजें एक्सेस कर सकते हो, जो चीज कर सकते हो, वो आप सेम टू सेम रेनरेन में भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना हो या फिर किसी से चैटिंग करना हो वो भी आप कर सकते हो, फोटोज वगैरह ये सब अपलोड भी कर सकते हो। तो रेनरेन फेसबुक की ही एक कॉपी है, वहां पे भी आप सेम काम कर सकते हो जो काम आप फेसबुक में कर सकते हो। आप बात करते हैं YouTube की, जो कि एक बहुत बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है या फिर बहुत बड़ा सर्च इंजन है, सेकंड सर्च इंजन है पूरी वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये भी चाइना के अंदर बैन है। चाइना के अंदर YouTube के बदले में चलता है यूकू नाम की एक ऐप।
आपको शायद नाम भी समझ आ गया होगा, यूट्यूब और एक है यूकू, ये भी पूरा सेम टू सेम यूट्यूब की ही कॉपी है। हम क्या देखते हैं यूट्यूब पे, जैसे हम कुछ डांस वीडियो देखते हैं या फिर सॉन्ग्स रिलीज होते हैं या फिर कॉमेडी वीडियोस, टेक्नोलॉजी के वीडियो सब हम देखते हैं, और चाइना का जो यूकू है एकदम यूट्यूब की ही कॉपी है। यूकू वहाँ पे भी आप कुछ वेब सीरीज देख सकते हो, उसके बाद कुछ गाना, कुछ डांस, कुछ फनी वीडियोस, कुकिंग के वीडियोस, खाने का वीडियो, सारे कुछ आप देख सकते हो यूकू में। मैं आपको यूकू दिखा देता है, लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया, जो कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो आप, तो शायद अब मैं आपको आप दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ इमेजेस दे रहा हूँ, आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सिमिलर है, सेम टू सेम एकदम ये यूट्यूब की कॉपी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर में सर्च का बटन है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया यूज करती है व्हाट्सएप मैसेजिंग करने के लिए या फिर स्टेटस अपलोड करने के लिए, लेकिन चाइना में ये सब बैन है। चाइना में व्हाट्सएप के इंस्टेंट में चलता है वीचैट ऐप, तो वीचैट इंडिया में भी पॉपुलर था, अभी भी शायद है, और वीचैट में भी बहुत चीज़ें आप कर सकते हो जो आप व्हाट्सएप में कर सकते हो, दूसरों से चैटिंग कर सकते हो, दूसरों को कुछ फाइल भेज सकते हो, वीडियोज भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, और WhatsApp के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएगा WeChat के अंदर। WeChat इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, शायद अब उसको शायद बैन कर दिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन WeChat जो है वो इंडिया में भी थोड़ा सा पॉपुलर था। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो है वो चाइनीज ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन चाइना में जो लोग हैं वो बाहर के किसी भी ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में भी पॉपुलर है। यहाँ पे आप @ या फिर हैशटैग लगा के कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो या फिर फोटो, आप पोस्ट कर सकते हो ट्विटर पे, लेकिन ये भी चाइना के अंदर बैन है। और चाइना में ट्विटर के बदले में चलती है वीबो नाम की एक ऐप, जो फिर से ट्विटर की ही कॉपी है, और ट्विटर में जो काम आप कर सकते हो वो आप सेम टू सेम कर सकते हो वीबो में, सिर्फ नाम का डिफरेंस यहाँ पे है, आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। तो सेम टू सेम चाइना में चलती है वीबो नाम की एक ऐप। आप बात करते हैं मैसेंजर की, तो मैसेंजर पूरी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, हमारे इंडिया में भी पॉपुलर है, लेकिन ये जो है ये हम काम पे लेते हैं किसी को मैसेजिंग सेंड करने के लिए, यानी कि ये फेसबुक का एक अलग पार्ट है, तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये भी चाइना के अंदर बैन है, और चाइना के अंदर जो है वो मैसेंजर नहीं चलती है, मैसेंजर के इंस्टेंट में चलती है QQ या फिर QQ नाम की एक ऐप, जो फिर से मैसेंजर की कॉपी है, जहाँ पे आप सिर्फ मैसेज कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैसेजिंग के लिए मैसेंजर के बदले में यह है QQ नाम की एक ऐप जो चाइना के अंदर पॉपुलर है। आप बात करते हैं एक दूसरे पॉपुलर चीज की, जो है अमेजन, जहाँ से आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज खरीद सकते हो, जहाँ से आप ग्रोसरीज भी खरीद सकते हो, बहुत सारा चीज आप अमेजन से खरीद सकते हो, लेकिन यह भी चाइना के अंदर बैन है। और चाइना के अंदर चलती है अलीबाबा या फिर अली एक्सप्रेस नाम की एक ऐप, जो कि चाइना के अंदर बहुत सारा डिलीवर करता है। ठीक है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीज पाओगे, उसके बाद फैशन, जितने भी क्लॉथ्स हैं वो सब चीज आपको मिल जाएगा, उसके बाद में जो मोबाइल फोन है वो भी आपको मिल जाएगा, सारे चीज आपको अली एक्सप्रेस या फिर अलीबाबा पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ चाइना के अंदर पॉपुलर नहीं है, अगर आप चाहे तो चाइना से आप वो प्रोडक्ट इंडिया में भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप वो चीज चाइना के अंदर से भी यहाँ से मंगवा सकते हैं, लेकिन अब ये चीज कर नहीं करना। तो अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि चाइना के अंदर बहुत सारे पॉपुलर ऐप बैन है और चाइनीज लोग वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है जो बाहर के कंट्री है वो चाइना का ऐप यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक लाइक जरूर से कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हाँ नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला चीज अच्छा लगा है।